फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू थैंक यू मैम फॉर बीइंग इंस्पिरेशनल इन माई लाइफ इन माई नेट जर्नी लाइफ। मेरा नेम सीमा है और मेरी स्ट्रीम CSE है। मैंने मेरी नेट की तैयारी 2019 में स्टार्ट की थी। मेरा नेट क्लियर हो गया था बट विदाउट पेपर वन हुआ था। उसके बाद मैंने 2020 में लॉकडाउन हुआ एंड फिर से कोशिश की, तब मैंने पेपर वन की तैयारी करना स्टार्ट करी। और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ही क्लासेस देख के, आप मेरे पास सब्सक्रिप्शन भी था, आपकी यूट्यूब क्लासेस, आपकी स्पेशल क्लासेस, उन सारी क्लासेस को देख के मैंने मेरा पेपर वन तैयार किया। नो डाउट अन अकेडमी पर और भी एजुकेटर हैं बट मुझे आपसे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं लगा, तो मैंने मेरी पेपर वन की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। मेरी स्ट्रेटजी क्या थी पेपर वन की तैयारी करने में, मैंने पहले ही अपना पेपर वन कम्प्लीट कर लिया था एंड उसके बाद मैंने मेरा पेपर टू स्टार्ट किया था। और जैसे मेरा पेपर वन कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने आपकी जो मॉर्निंग में क्लासेस आती हैं यूट्यूब पे वो देखना स्टार्ट किया, और जो मैंने नोट्स बना लिए थे तैयारी करते टाइम, तो फिर उन्हीं नोट्स को मैं रिपीट करती थी। जैसे कि आपका टेस्ट आता है वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट पे, तो उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए पहले मैं वो नोट्स पढ़ लेती थी ताकि मेरी रिवीजन हो जाए, फिर मैं टेस्ट अटेम्प्ट करती थी। उसके बाद जो आपकी रात की 1-10 बजे क्लास आती थी स्पेशल क्लासेस, उसको अटेम्प्ट किया। ऐसा करके मेरी पेपर वन की तैयारी होती रही। और इसके से फिर 2020 में रिज़ल्ट आया तो उस सेकंड टाइम भी मेरा नेट क्लियर हुआ और मैं सिर्फ JRF से सिर्फ एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से रह गई। वो कहीं ना कहीं मुझ ही में गलती थी। उसके बाद से मैंने PhD के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया और फिर मैंने कई जगह अप्लाई किया, लाइक CU SET के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में किया, और एक मैंने यहाँ गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में किया था और 2-3 जगह पर और किया था। एक जगह नेम मैं भूल गई, वहाँ आसाम की तरफ भी किया था बट वहाँ पे मेरी उस टाइम पे किसी रीजंस की वजह से मास्टर डिग्री एट ए टाइम पे नहीं हो पाई, इसलिए वो रह गया था। तो मैंने अब जब मेरा PhD में सिलेक्शन हुआ तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो CUH था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एंड सेकंड था ADF। ADF की स्कॉलरशिप मेरी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में लगा था। इस ADF के थ्रू जो मैंने एडमिशन लिया है वो उसके अंदर जो अमाउंट है फेलोशिप का वो बिल्कुल JRF के इक्विवेलेंट है। जितना JRF स्टाइपेंड देता उतना ही मिलेगा, कंटीजेंसी उतनी है और HRA भी उतना ही है। अब ये ADF क्या है, ADF AICT डॉक्टरल फेलोशिप है और ये सिर्फ अवेल होती है जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग टेक्निकल स्टूडेंट के लिए, उन्हीं के लिए जिनकी टेक्निकल स्ट्रीम है उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल है। और इसका जो मेन क्राइटेरिया वो है कि आपके अंडर ग्रेजुएट में और पोस्ट ग्रेजुएट में 7.5 CGPA होनी चाहिए, मीन्स आपकी अंडर ग्रेजुएट में 7.5, पोस्ट ग्रेजुएट में 7.5 प्लस आपका नेट होना चाहिए या फिर आपका गेट होना चाहिए। और ये अगर तीनों चीज़ें आपकी मैच करती हैं तो आप ADF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ADF का प्रोस्पेक्टस है, उसमें मेंशन है कि वो कौन कौन से कॉलेजेस इनके अंडर आते हैं। मोस्टली वो टेक्निकल कॉलेज ही लेते हैं, टेक्निकल एंड साइंस कॉलेजेस को लेते हैं। और इसके जैसे थ्रू मैंने अप्लाई किया तो फिर मेरा वहाँ पे GJU में, जो कि मेरे होम टाउन के बिल्कुल पास में पड़ता, तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। मैंने CUH का भी एडमिशन इंटरव्यू दिया था जहाँ पे मेरा रिसर्च प्रपोजल देना था मुझे, तो उन्होंने मुझसे मेरा जो ऑब्जेक्टिव हो क्लियरली डिफाइन करवाया। सेकंड कि आप MTech स्टूडेंट हो तो आपको ये, आपने पेपर पब्लिश किए हुए तो आपके पेपर कहाँ कहाँ पब्लिश है, तो मेन बेनिफिट मेरा ये हुआ कि मेरा पेपर अच्छे पब्लिकेशन में था, स्प्रिंजर में था, इस वजह से वहाँ पे भी मेरे CUH में मैं सिलेक्ट हो गई थी। बट मुझे फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी थी इसलिए मैंने ADF को चूज़ किया। हाय फ्रेंड्स, आई एम नवदीप कौर। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और मैंने इसके लिए nowclasses.in पे पोस्ट बना दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, उसमें सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे nowclasses सर्च करके फॉलो कीजिए सो दैट यू विल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड साथ बने रहिए। रात को 10 बजे वाली क्लास भी आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री होती है। नवदीप को सर्च करके मेरी प्रोफाइल में जाके आप देख सकते हैं। nowclasses कोर्स से आपको फ्री क्लास अनलॉक करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। कोई आपके पास क्वेरी है या कुछ आप बताना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन इन्फॉर्म इन द कमेंट सेक्शन। एंड हैव अ नाइस टाइम, स्टे ब्लेस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर JRF एंड PhD।